गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो जहां पर पढ़ने वाले हैं हमारा सिलेबस 6 मॉडल इंग्लिश। सो गाइस इन द लास्ट सेशन एस आपको पता होगा कि हमने मॉडल इंग्लिश के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था और सबसे पहले ट्राई किया था कि क्या कि मॉडल इंग्लिश के बारे में एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और आगे हम इसे पढ़ने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, उनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम बढ़ने वाले हैं एम्परर अशोक के तरफ। सो गाइस आपने इस फिल्म सुना होगा, मैंने बताया था आपको चाणक्य के बारे में। इस वीडियो में शुरू करते हैं चाणक्य की कहानी के द्वारा। सो गाइस हु वाज चाणक्य? चाणक्य ना केवल एक बहुत ही महान एक व्यक्ति थे बल्कि बहुत ही बड़े ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण मीन्स आपने गाइस सुना होगा कि ब्राह्मण वो होते हैं जो कि हमें ना केवल ज्ञान देते हैं हमारे इसमें जो हमारा जो कल्चर जो हमारा जो रिलीजन है उनके लिए, ना केवल वो ना केवल हमें रिलीजन के बारे में ज्ञान देने वाले लोग हैं बल्कि उनकी इम्पोर्टेंस इससे मालूम पड़ती है कि वो भगवान के जैसे करीब होते हैं, कि वो मंदिरों में भी पूजा पाठ करते हुए भी देखते हैं। ठीक है, तो गाइस चाणक्य भी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के साथ उनके पास एक बहुत ही एक शार्प माइंड भी थे, यानी कि उनके पास बहुत ही अच्छा एक दिमाग था। तो उन्होंने उसका बहुत ही अच्छे से यूज किया और उन्होंने ना केवल वे और शस्त्र अस्त्र शस्त्र और वे टॉपिक्स पर ही नहीं बल्कि गाइस उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में अपनी एक्सपर्टीज की थी। उनके पास ना केवल एक आर्मी यानी कि डिफेंस, उसके अलावा उनके पास इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, उसको आज भी हिंदी में इकोनॉमिक्स को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ना केवल डिफेंस यानी कि आर्मी बिल्ड करने में, आर्मी को मेंटेन करने में, बल्कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में और इतिहास में यानी हिस्ट्री में जो हम पढ़ने वाले, तो अलग अलग फील्ड्स में उनके पास एक्सपर्टीज थी गाइस। ओके, तो इवन केमिस्ट्री में भी काफी अच्छी पकड़ थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका केमिस्ट्री था, उसी की वजह से उन्होंने बहुत सारे आगे एक पर्पजफुल काम भी किए थे इस फील्ड में। ओके, एक सेट एविडेंस मिलता है हमारे पास। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या है चाणक्य ने जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे जिनका नाम था धनंदा, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि उन्हें यानी कि चाणक्य को एक अखंड भारत बनाने का उनका सपना है। अखंड भारत यानी कि एक ऐसा भारत जो कभी भी टूटे ना और किसी के भी आक्रमण से कभी भी प्रभावित ना हो, यानी कि कोई भी अगर फॉरेन इन्वेडर दैट मीन्स कि कोई भी अगर बाहर से आने वाले जो फॉरेनर्स जो कि हमारे देश में अटैक करके से हमें टूटने के लिए आया भारत है, वो हमारे कंट्री में फिर से कभी ना आए और साथ में वो कभी भी ना केवल अटैक वो अटैक भी ना कर पाए और कभी भी हमारे जो फिर से हम लुटने की हिम्मत ना कर सके, हमारा भारत इतना महान इतना बड़ा बन जाए कि पूरी दुनिया उस सामने छोटी और फीकी लगे। ओके, तो उनको एक बहुत ही बड़ा ही उनका एक एम्बिशन था कि हमें कुछ बड़ा करना है, इस देश को इतना महान बना देना है, क्योंकि महान थी क्योंकि यहाँ पे बहुत से महान लोगों ने जन्म लिया था गाइस, लेकिन उसे महान बनाने के लिए हमें इतिहास लिखना पड़ता और वो इतिहास उन्होंने लिखा। लेकिन जब वो धन्ना डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर के पास गए तो उन्होंने उनको धक्के मार के ये कहते हुए निकाल दिया कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो उस वक्त एक्चुअली फॉरेन इन्वेडर्स का अटैक होने वाला था हमारे इंडिया के ऊपर, तो वो एक रूलर एक ऐसे एक बड़े से रूलर को खड़ा करने की सोचते हैं उस वक्त, जो उनके इस सपने को अखंड भारत के सपने को पूरे तरीके से हकीकत में करते हुए, तो उनकी नजर पड़ती है चंद्रगुप्त मौर्य के पास, चंद्रगुप्त मौर्य था उनके ऊपर उनकी नजर पड़ती है। उसके बाद गाइस जब वो उनको देखते हैं तो उनके अंदर बहुत ही बड़ी प्रतिभा दिखती है उनको, यानी कि बहुत ही बड़ा उनके अंदर एक टैलेंट दिखता है कि ये जो बच्चा है ये आगे चल करके उनके सपने को रियलिटी में बदल सकता है, यानी कि हकीकत में बना सकता है। गाइस उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पूरी ट्रेनिंग दी, उसको ना केवल शास्त्र बल्कि शस्त्र। गाइस कहते हैं कि अगर आपको पीसफुली रहना है तो आप वॉर की तैयारी करो, मतलब कि अगर आपको शांति से अगर जिंदगी जीनी है तो आप लड़ाई की तैयारी करो, ऑटोमेटिक आप शांति से जीवन जी पाओगे। तो गाइस उन्होंने वही किया, उन्होंने ना केवल शास्त्र का ज्ञान दिया, ना केवल इकोनॉमिक्स का ज्ञान दिया बल्कि डिफेंस आर्मी और उसके अलावा शस्त्र, यानी कि खुद भी उनको इतना बड़ा बॉलर बनाया कि एक समय आने के बाद उन्होंने जो नंदा डायनेस्टी थी उसको उखाड़ फेंका और वहां पर मॉडर्न डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। फर्स्ट टाइम इंडिया में एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक जो डायनेस्टी था उसको खत्म करके एक बहुत ही छोटे तरीके से शुरू किया, लेकिन उसे वहां पे
इतना बड़ा था गाइस कि सेंट्रल एशिया, व्हाट इज दिस वर्ड मींस, सेंट्रल एशिया का मतलब है कि जिस हम अभी इंडिया कहां पर है, वो साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया, ईरान, ईरान तक की सबूत मिलती है कि हमारा जो कंट्री था गाइस ये इतना बड़ा था कि सेंट्रल एशिया से लेकर के साउथ एशिया के आपके इवन थाईलैंड तक आपको इसका कुछ कुछ थाईलैंड या फिर म्यांमार तक आपको इसका रूल मिलता है, ठीक है, इसका जिक्र मिलता है कि वहां तक भी रूल फैला हो सकता है, इवन उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इतना बड़ा उनके पास एम्पायर बन चुका था, तो ये एक ही दिन में नहीं बना था, लेकिन उनके लिए उन्होंने बहुत सी तैयारी की थी। ओके, तो चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण किया, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा काम भी किया था गाइस, ये थी उनकी इंपॉर्टेंस। तो कहते हैं कि ब्राह्मण की हमेशा इज्जत और पूजा करनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि जो नंदन जी जो उन्होंने उनका अपमान किया था, इसलिए उन्होंने उनको उखाड़ फेंका, उनके साथ होते आज हम मॉडर्न की जगह पे उनके बारे में पढ़े होते। ओके, आते हैं वापस गाइस हमारे लेसन पे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखो, लास्ट में लोग थे उसके ठीक नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करते हैं। उन्होंने काबुल, कांधार, हेरा, बलूचिस्तान और ग्रीस, इन सबको सेल्फिश निकेटर थे, इन सबको हराने के बाद इन पर कब्जा किया था और ये सब कंट्रोल में था, मैं सब कहा कि सेंट्रल एशिया, तो ये सेंट्रल एशिया तक पहुंचे थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्होंने इतना ब्रेव बनाया था कि ओके, इतना ब्रेव बनाया था उनको कि जो सेल्फिश निकेटर यानी कि जो ग्रीक एक आपके रूलर थे, ठीक है, देखो उसको क्या था कि जो चाणक्य ने जो बोला कि फॉरेन इन्वेजन जो है बताया कि उनसे रोकने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी उन्होंने मतलब एक डायनेस्टी खड़ी कर दी, क्योंकि कि जो ग्रीक्स थे वो हर कुछ समय पे हर कुछ सालों में वहाँ पर अटैक कर रहे थे, लूट के हमें जा रहे थे। तो ग्रीक्स यानी कि यहाँ पे जो नाम दिया है सेल्फिश निकेटर, ये उनके आपस में रूलर थे, हम क्या कह सकते हैं कि उनको कमांड करने में सबसे बड़े अथॉरिटी में ये थे, ठीक है, सेल्फिश निकेटर। तो इनको हराया तो ये इतने इम्प्रेस हो गए उनके ये जो गुप्ता थे चंद्रगुप्त मौर्य थे उनसे इतने इम्प्रेस हो गए उनके मॉडर्न तरीके से, उन्होंने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी और अपने एम्बेसडर यानी कि उनके एक ऐसा आपको पता होगा इसलिए हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज के एक बहुत ही बड़े ऑथर एक बहुत ही बड़े एक ऑफिशियल होते हैं एम्बेसडर यानी कि दूत, ठीक है, वो हमारे देश में थे और हमारे देश के उनके देश में थे। तो ये जो एम्बेसडर का जो एक्सचेंज होता है ये इससे होता है कि आपको अगर आपको किसी कंट्री में जाना है उसके लिए आपको वीजा चाहिए होगा, तो वीजा कैसे मिलेगा, उनके जो ऑथोरिटी इंडिया में है वो अगर आपको अगर परमिशन देंगे तो आपको वीजा मिलेगा, ठीक है। तो ये आज ऐसा सिस्टम है, लेकिन उस वक्त एम्बेसडर मतलब कि भाई आप अगर किसी आपका अगर फ्रेंडली नेशन है तो आपकी उसे दोस्ती है ये साबित करने के लिए वहां से आपके कोर्ट के अंदर जो राजा है उसे कोर्ट के अंदर उनका एक आदमी यानी उनका एक एम्बेसडर एक ऑफिशियल आगे कोर्ट में बैठा था, इस तरीके से पता लगता है। तो सेल्फ सेक्रेटर जो थे उन्होंने क्या किया, एक मेगस उन्होंने मेगस नाम के एक उनके एम्बेसडर को इनके कोर्ट में भेज दिया। और जब मेगस्थल पाटलिपुत्र यानी कि जो इनका मेन आपका कैपिटल था पाटलिपुत्र वहां पर जो रहे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम पड़ा इंडिका, उन्होंने इसका नाम दिया इंडिका। और इसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलता है जो मगध एम्पायर यानी कि जो मौर्य एम्पायर था, मगध एम्पायर भी कह सकते हैं कि मगध रीजन में इन्होंने बहुत ही बड़ा अपना कैपिटल बना रखा था। तो इनका जो विजन था पूरा विजन एंड विजन यानी कि जहां पर रूल थी वो और इनका जो विजन था यानी कि जो करने का इनका एम था उसके बारे में प्रॉपरली अपने पूरे रूल को एस्टैब्लिश करने के बाद उसे कैसे रन किया वो हमने शुरू करेंगे।